पबजी खेलता है ये आम के गाछ पे चढ़ के पबजी खेलता है कि नहीं? आजकल खेल रहा है कि नहीं पबजी? छोड़ दिया कि खेल रहा है? आम तोड़ने चढ़ा है पबजी तो सब बोल रहा था कि पबजी खेलने चढ़ा है। वीडियो बनाया था, वीडियो बना रहा था। तो गाछ पे चढ़ेगा तो गिर जाएगा तो टंगड़िया क्या होगी? लोग यही ना स्टेटस लगाएंगे, बोलेंगे कि एक था सीधा लड़का बन गया टेढ़ा। पूछो तो सांड बोलना काल में चीज का सांड। पापा बोलता है? पापा बोल। पापा अशोक का दादाजी का क्या नाम था? अशोक के दादाजी का नाम क्या था? किसी को मालूम है अशोक के दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये इतिहास नहीं पढ़। सुमित्रानंद पिताजी की मृत्यु? जोर से बोलिए। सुमित्रानंद पिताजी का नाम क्या? सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का नाम क्या था? रेस्पेक्ट थोड़ा चाहिए, लीजेंड पुरुष। हाँ जी, किसी को मालूम? नहीं मालूम है। दसवें क्लास में ना है? दसवां का मीनिंग क्या होता है? दसवां का डीएन। डीएन थोड़ा दूर का है, करीब में रहिए ना। हाँ बताइए आप। गंगा दत्त पंत। गंगा दत्त पंत, साफ सुथरा बोलो। लवक कितना प्रकार का होता है और कौन कौन? लवक मालूम है? नहीं मालूम। तीन प्रकार का, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। चलो इधर है, ये मोहतरमा को जरा फोकस करना, ये मैट्रिक में कदम 400 पार करने वाले। हम कब बोले हैं? चलो बोलो। 20 की दांत कैसी कहानी है? 20 की दांत कैसी कहानी है? थोड़ा सा स्लो बोलती है, कोई बात नहीं। मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक सही है जवाब। ऐसा क्वेश्चन कौन रटता है? तनु एचसीआई का पीएच मान। तनु एचसीआई का पीएच मान है? तनु का पीएच मान किसी को मालूम है? तनु बिलियन का 0। 0 होता है। तुम तो थोड़ा स्लो बोलती है, बोलो जो भी बोलना है साफ सुथरे। मदन के पिता का नाम था? मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। गिरधारी नहीं, गिरधर लाल। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। गांधी जी हो। 400 को टाई कर सर, बोलो बोलो। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? अच्छा ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं। क्यों? हिंदी और संस्कृत से पूछ सकते हैं आपके लिए कंडीशन। हिंदी का ही है। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? ये तो इतिहास हो गया सर, हिंदी के बुक से लिखे हैं। लेकिन लिखी है, लेकिन है इतिहास। कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। संदेश समाज क्या है? काशी क्या है जी, किसी को मालूम? काशी से मोदी जी सांसद है, इतना भी बोल देते तो काम चलता, लेकिन अफसोस। बोलो। एक प्रकार की लिपि। एक प्रकार की लिपि। लाइट कौन है? टिप दे। बोलने का परमाणु संख्या? ये देख, परमाणु संख्या में रह जाएगा। तेरा परमाणु संख्या कितना है? नहीं मालूम। परमाणु संख्या है? देख, रुक, मैट्रिक की लड़की है। थोड़ा खड़ा हो जाएगी, एक मिनट के लिए खड़ा हो जाइए। भी मैट्रिक की लड़की है और इसे परमाणु संख्या पूछ रहा है तो उसका संकेत बता रही है, लेकिन 400 पार करने जा रही है। हाँ जी बोलिए। 4। अच्छा जी, यह बोल दिया परमाणु संख्या तो सही है बोला है। क्या बोले दूसरा? क्या बोले? इधर महिला लोगों में देखते हैं। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में, 1918 में, 1939 में, 1945 में? द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1939 में ना। आ शुरू कौन किया था? नाजी दल और फासी दल, पता है ना? नाजी दल के संस्थापक कौन था? मुसोलिनी था कि हिटलर? नाजी दल का था कि वो फांसी दल का था? नाजी दल का। और फांसी दल का? मुसोलिनी। ये बात तो सबको मालूम है। अच्छा ये एक बात तो हमको अजीब तरीके का लगता है, अनपढ़ जाहिल गंवार लोग इस तरह का बात बोलते हैं, भारत को आजादी किसके वजह से मिली? गांधी जी के वजह से? नहीं। बोल जोर से। माने कहता है। अच्छा कहता है लोग, तू खड़ा हो, बड़े इंटरेस्टेड आदमी लग रहे।
तू भी खड़ा हो जा। ये दोनों आदमी आज क्लियर करके बताएंगे कि हमें आजादी मतलब भारत देश जो आजाद हुआ है, तुम बताएगा क्यों मिली है भारत को आजादी, गांधी जी के वजह से, सुभाष चंद्र बोस के वजह से, भगत सिंह के वजह से, राजगुरु सुखदेव आदि आदि लेजेंड पुरुषों की वजह से मिली है, या किस वजह से भारत को आजादी मिली है। झांसी की रानी भी इसमें शामिल है और ये आपके बिहारी बाबू भी इसी में शामिल है। पुरुषों की वजह से नहीं मिली है। तो भारत को आजादी किसके वजह से मिली है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार से। सेकेंड वर्ल्ड वार में उपनिवेशिक शक्ति हटाने की बात कही गई थी, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था अमेरिका में, जिसमें ये बातें बताई गई थी कि जितने भी औपनिवेशिक शक्ति हैं उन्हें हटा लिया जाए। औपनिवेशिक शक्ति का मतलब क्या होता है, एक लाइन में क्लियर करेंगे, कोई भी देश दूसरे देश पे आधिपत्य कर रखा है, उसे अधिग्रहण कर रखा है, तत्काल उसे छोड़ना पड़ा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में बात कही गई थी, जिसके बाद भारत को आजादी मिली है। ये चीज भी आप लोग को हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन अफसोस कि काफी मूर्खों का ऐसा होता है कि फलनवा आदमी दिला दिए आजादी तो चिलनवा दिलवा दिए। पढ़िए, कम से कम पढ़िएगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगा, नहीं पढ़िएगा तो मूर्ख जाहिल गंवार भी आपको सही और स्मार्ट अच्छे दिखने लगेंगे, है कि नहीं। जैसे इसको ये टेस्ट में आज तक पास है नहीं, सही बोल रहे ना। चलिए बैठ जाइए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन करना है। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाला है, थोड़ा इधर आना, कहाँ दूर रहता है, इस पे फोकस कर, बढ़िया स्मार्ट लड़का है। नौ प्रश्न काल में किस चीज का हल बनता है? पहले तो ये क्वेश्चन का ही टंगड़ी सब कोई तोड़ता है, ये तो उसके हृदय ही निकाल दिया। हाँ फिर से एक बार बोल, बड़ी इंटरेस्टेड आदमी, जरा ध्यान दीजिए। नौ प्रश्न काल में किस चीज का, नौ प्रश्न काल क्या होता है, नौ पाषाण काल अगर बोलता है, नौ प्रश्न काल में ना पाषाण बोलना, पाषाण बोल, पाषाण काल, पाषाण बोलना तो पाषाण हो जाता है। नौ प्रश्न काल में किस चीज का, चुप, साण बोल, साण, आप बोल पाषाण, पाषाण, आप ठीक से प्रश्न कर। अब नौ प्रसार काल में किस चीज का हल बना था, नौ प्रसार में किस चीज का हल बना था, हल मतलब हर जो खेतवा जोताता है। हाँ फिर से एक बार क्वेश्चन आप पूछो तो, नौ प्रसार, नौ प्रसार बोलना, नौ प्रसार काल में किस चीज का हल बना था। पापा बोलता है, पापा, यस सर, बोल पापा, पापा साण, साण, पापा साण नहीं, अब बोल खाली उसमें पापा में से एक पा बोला साण लगा दे, पाषाण हो जाए, बोल। नौ पाषाण में किस चीज का हल बना था। अच्छा आप पहले बोले थे नौ प्रसन्न काल तो ये ठीक था, ये प्रसव काल बना दिया पाषाण काल का, काहे से तन नहीं तोड़ता, बाल में थोड़ा सा तेल वेल काहे नहीं मारता है। नौ प्रसन्न काल में किस चीज का हल बना था, लकड़ी का नहीं, रुक खड़ा, लकड़ी का सर हल बना था, लकड़ी का, या सर पत्थर का बना था, इसका बना था, नहीं बना था पत्थर का, लकड़ी का भी बना था लेकिन पत्थर का भी था, पाषाण काल उसका नाम है, पाषाण का मतलब होता है पत्थरों से बना हो जा। इंटरेस्टेड आदमी है, पत्थर के बाद लकड़ी का उपयोग हुआ था। अच्छा भाई टेस्ट में यह फेल होने वाली लड़की है, दिल्ली में सबसे प्रमुख, इसका मुंह करिया नहीं ना दिख रहा है क्योंकि फेरन लवली लगाती है इसे। दिल्ली में सबसे प्रमुख और स्वच्छ ना समान है, रुक ना पहले क्वेश्चन वा साफ सुथरा नहीं बोल, साफ सुथरा क्वेश्चन, दिल्ली में सबसे प्रमुख और स्वच्छ ना समान होना, पारदर्शी होना, ए विस्मान होना, समान, इफ आई विल देयर, समझ रहे ना, क्वेश्चन आंसर सब बोल दिए, ए हम नहीं समझे, उठिए। बिलियन के सबसे प्रमुख गुण समान होना, विस्मान होना, स्वच्छ होना, पारदर्शी होना। बिलियन का सामान्य गुण क्या होता है, साफ स्वच्छ और पारदर्शी, आंसर क्या है, समान होना, समांग, समांग विस्मांग, चल वो बोल रहा है, तेरे आंसर सुन के बता रहा, खड़ा बोल, इंटरेस्टेड आदमी है, लाल लाल तेरा लाल लाल और हमारा कथई 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 है ना, नहीं है, बैगनी है, रंग बिरंग तुझे कौन है पसंद, तो हमें बैगनी है पसंद, तो हम क्या करें। अच्छा समांग तू बता रहा है, सुन के बताया था कि याद था, सुन के नहीं बता रहा, पहले बोले। अच्छा तो समांग का एगो साड़ू भाई का नाम है विस्मांग भी, ये अक्सर बिलियन में देखे जाते हैं, मिश्रण में भी देखे जाते हैं, तो समांग का परिभाषा जानता है, बता तू थोड़ा, दे हम जानते हैं, कुछ खौरावा लोगों का इलाज हमें करना पड़ता है। हाँ जी बोलिए,
समांग में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अच्छा, ये तो आप धातु का कहानी बताने लगे, हम आपसे समांग पूछ रहे हैं विलयन। समांग विलयन के कण परस्पर एक दूसरे से मिले होते हैं, जिसे किसी भी भौतिक यांत्रिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। जबकि विषमांग क्या होता है, जैसे उसमें दूध और पानी हम लोग बोल सकते हैं, समांग में समांग विलयन है। आप विषमांग में बालू और पानी बोल सकते हैं, जिसमें बालू के पानी पानी के कण को क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। समझे, क्वेश्चन को क्लियरिटी दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे कहाँ हैं आप? भारत माता का आंचल कैसा था? भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा। ये पगली है, नहीं पढ़ती है हिंदी। सब बोलते हैं कि हमारा हिंदी ठीक है, हिंदी पढ़ी ही नहीं। अच्छा, वो बताएगी, बोल। बहादुर कहाँ का रहने वाला? नेपाल का रहने वाला था, सही है। वैसे बहादुर अपने भैंस को मारा, उसके मैवा ने उसको मारा, इसलिए वो घर छोड़ के भागा। वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टेड आया, सब कोई नीचे पबजी खेलता है, ये आम के गाछ पे चढ़ा पबजी खेलता है कि नहीं? आजकल खेल रहा है कि नहीं पबजी? छोड़ दिया कि खेल रहा है? आम खेलने चढ़ा है। पबजी तो सब बोल रहा था कि पबजी खेलने चढ़ा है, वीडियो बनाया था, वीडियो बना रहा था। तो गाछ पे चढ़ेगा तो गिर जाएगा तो टंगड़िया क्या होगी? लोग यही ना स्टेटस लगाएंगे, बोलेंगे कि एक था सीधा लड़का बन गया टेढ़ा। लंगड़ा कहने में शर्म नहीं आएगा? बोलो क्वेश्चन, बोलो तू। दांत कितने प्रकार का होता है? अच्छा, दांत तीन प्रकार का होता है, चार प्रकार? देख, सब पढ़ी लिखी है, तुम ना बोलने वाले थे। एक्स्ट्रा नहीं, नाम इसका खुशी है लेकिन दुखे रहती है बेचारी। बोलो बहादुर कैसी कहानी है? क्वेश्चन है कि बहादुर कैसी कहानी है? सामाजिक। सामाजिक कहानी है? चलिए, हूं नहीं, जोर से हाँ, यस। नहीं याद है? नहीं याद है तो बोलिए। संविधान को लिखने में कितने दिनों का समय लगा था? संविधान लिखने में कितने समय लगा था? 2 वर्ष 18 दिन, 8 माह 18 दिन, 11 माह 18 दिन। हाँ, संविधान लिखने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जिस पे लगभग 65 लाख रुपया खर्चा भी आया था। समझ गए? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? V.R. अंबेडकर, जिसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे, इसीलिए आधुनिक संविधान के रचयिता B.R. अंबेडकर को माना जाता है, भीमराव अंबेडकर। वैसे कोई बताएगा क्या भीमराव अंबेडकर का जन्म कब कहाँ किस राज्य में हुआ? कब कहाँ किस राज्य में हुआ, कोई बताएगा? समोन इज हियर टू आंसर द क्वेश्चन। तो बता ना, देख लम्बा लम्बा फेंकती है। हाँ तो बोल, कब हुआ था? हाँ, कहा? मध्य प्रदेश। जगह, गांव का नाम, जिला का? मध्य प्रदेश महू। महू, वेरी गुड एंड वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब हमें लग रहा है कि 400 पार कर जाएगी। अच्छा लगा। 1 किलो पास्कल बराबर कितना पास्कल होता है? 1 किलो पास्कल, ये पिछले 2 महीने से इसी क्वेश्चन पे जी रही है। 1000 पास्कल। ले तो ले यार, तेरा क्वेश्चन का आंसर 1000 पास्कल ना। वेरी गुड। अरे इधर ना देख, थोड़ा ले यार करीब। इसका क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चन का पहले से आंसर जानते थे। क्या पूछ? क्वेश्चन पूछने कासू कितने वर्ष का था? कासू कितने वर्ष का था, किसी को मालूम है? महिला लोगों में 5 से 6 वर्ष का। 5 से 6 वर्ष, मदन थोड़ी था, कासू था। कासू वही ना इंजीनियर बन रहा था, सारा चक्का उक्का खोल देता था। कहा पढ़ा तरी? कुछ नहीं की पढ़ा, बुझा गए। 400 कैसे ले? अच्छा, है हम भी दांत तोड़ देते हैं। वो 2 गो तोड़ा था, हम 32 तोड़ देते हैं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, यही क्वेश्चन है। बोलिएगा, नया बताएगा कब? मध्यकालीन युग में हुआ था, शेर शाह सूरी ने किया था। हई देख ससुरा को।
कहीं फोटो एगो बढ़िया से है क्वेश्चन देखो जितना भारी है उतना भारी क्वेश्चन पूछो मरकरी का संकेत इतना भारी आदमी इतना हल्का क्वेश्चन पूछ देना मरकरी का संकेत हरियर कलर एक एक पीरियोडिक टेबल में दिखबे करता है ए जी ए जी ए ओ जी कहिए ना ए जी ओ जी करने से नहीं होगा है ना ना ताकि मुस्कुराइए कम गलती बता रहा है ए जी नहीं होता है फिर मारेंगे मरकरी का सुने हैं मरकरी का जब पूछे हैं तो मरकरी का बताइए ना ए जी गलती है सही बता दीजिए नहीं तो मार के आपको पतला बना देंगे हाँ जी बताइए कहो यच एच जी ओप कह रहा है ओप कह रहा है यच जी हाई देखो यो आको मको है पटना का पुराना नाम क्या था पटना का पुराना नाम क्या है देख बैठो बबका चाहती बिहार का फ्लोक डांस कौन सा है बिहार का फ्लोक डांस मालूम नहीं मालूम छुआ बोलो तरंग का सही मात्रा क्या है तरंग का सही मात्रा काहे टंगड़ी तोड़ के बोलती नहीं मालूम बोलो मीटर सेकंड हिमालय का संधि विच्छेद किसी को मालूम है संधि विच्छेद अब कोनो बता रहा था दो वर्णों का मेल होता है लेकिन कोनो बताएगा नहीं हिमा प्लस आले हिमा प्लस हेमा मालिनी प्लस आलिया भट्ट जी रुकिए श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है भीमराव अंबेडकर छाबस अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिराया था अमेरिका ने परमाणु बम सबसे पहले कहाँ गिराया था हिरोशिमा पे गिराया था बाद में नागासाकी पे गिराया था हिरोशिमा पे 6 को नागासाकी पे 9 याद रखेगा ना नागासाकी 9 हिरोशिमा 6 वो भी 1945 में क्यों पर्ल हार्बर पे जापान ने उसके क्या कर दिया था सैनिकों को मार दिया था अमेरिका पहले भी वर्ल्ड वॉर में नहीं कूदता अगर उसके नाव को नहीं डुबाया गया होता और सेकंड बार भी नहीं कूदता अगर उसके सैनिकों को नहीं मारा गया होता अमेरिका शांत था लेकिन उसको जगाया गया है कुंभकर्ण की तरह पूजा जी आपका क्वेश्चन क्या है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है हाथ तो आप भी मल रही है हाँ जी हाथ मलना मुहावरे का पछताना हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है इसको अंग्रेजी में बोलती तो कैसे बोलती पछताना इधर हाफ पॉइंट वाले का चावल उदासीन बिलियन का पीएच मान किसी को मालूम उदासीन बिलियन का पीएच मान किसी को मालूम है 7 होता है झंडू बम हो तुम लोग नहीं सुनाई दिया ना पब्लिक सुन रही है तुम्हें शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है किसको मालूम है ये सब पढ़ा लिखा नहीं है पढ़ा लिखा है महात्मा गांधी सूत जा अरे सूत जा दांत कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन अबे कौन कौन क्वेश्चन चार मालूम चालाश एक बार फिर से बोल चलो फोकस कर सांस नहीं होती टेस्ट में अलग बात है लेकिन सुनाई है बोलो कृतक रत्नक अग्रचवर्णक चवर्णक चावस कोई बढ़िया मास्टर पढ़ाया होगा नहीं तो ये सब कोई बात बताता होता था नहीं अच्छा हम ही पढ़ाए चल तो ठीक लड़की में राष्ट्रीय कैलेंडर लड़की में रुक तेरा कैलेंडर बाद में हम निकालेंगे बोल दे ले बोल लेकिन मैं एमए किस विद्यालय से लेखक ने एमए किस विद्यालय से कौन लेखक तू बता
कौन लेखक? लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय, अब बोल। राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर, अभी भी क्वेश्चन इसका वही है, बदला नहीं है। शक्र कैलेंडर। शक्र कैलेंडर 78 ईस्वी में बनाया था। मानुष नाखून क्यों बढ़ाते थे? देवी और सज्जनों, आप सबके बीच में क्वेश्चन। अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए। और नाखून क्यों बढ़ते हैं? पार्श्व वृत्ति के लिए। फिर से आ गया। जिम कॉर्बेट बोल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। असुद बोलेगा तो टंगड़ी टेढ़ कर देंगे। कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या? दीक्षा दो कुछ शिक्षा का उच्चारण स्थान वर्तमान में किस संबंध से? का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? का उच्चारण वर्तमान में किस भाषा से है? मराठी भाषा। मराठी। गुरु नानक कहाँ के थे? पाकिस्तान। पाकिस्तान थलवंडी में उनका जन्म हुआ था, लरकाना जिला। मुस्कान किस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहती है? किस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहती है? किस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहती है? हाँ जी बोलिए। 15 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। किसी को मालूम? 0 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। द्रव अवस्था में तो रहता है, 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है, ठोस अवस्था में रहता है, पागला कर। अरे वाह, अब आम पे चढ़ के पबजी मत खेलना। याद है सर, बोलिए नहीं तो मुर्गा बना लेंगे हम बिना मसाला के। खाइएगा मुर्गा? बोलिए। टेबल टेनिस में कितने प्लेयर होते हैं? टेबल टेनिस में कितने प्लेयर होते हैं खेलने के लिए? हाउ मेनी प्लेयर इन टेबल टेनिस? दो। आर यू राइट? यस। क्वेश्चन ठोस में से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कही जाती है? बॉयज यू हैव आंसर द क्वेश्चन। नहीं है किसी के पास? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। स्टॉप द वीडियो, रोक दो।